नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी जांच में बीएसएफ कांस्टेबल तेज बहादुर यादव को क्लीन चिट दे दी है। तेज बहादुर ने बीएसएफ मेस में मिल रहे भोजन की खराब क्वालिटी पर सवाल उठाते हुए एक वीडियो बनाई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कथित तौर पर तेज बहादुर को हिरासत में लिया गया था और बीते 31 जनवरी को उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अर्जी दी थी, जिसे खारिज करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। बीएसएफ ने तेज बहादुर पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे आरोप लगाए थे, जिनकी एनआईए जांच की जा रही थी। एनआईए ने यादव की सोशल मीडिया प्रोफाइल, कॉल डिटेल्स और बैंक अकाउंट की जांच की थी। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को भी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित किया जा सके कि यादव की फेसबुक पोस्ट या फिर वीडियो से देश की सुरक्षा को कोई खतरा था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यादव का कोई विदेशी संबंध भी नहीं है जिसकी बिना पर उस पर शक किया जा सके। जांच एजेंसी ने कहा है कि यादव का उद्देश्य सिर्फ जवानों को मिल रहे भोजन की क्वालिटी में सुधार करवाना ही था। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।